हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। लंदन से वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल, पंजाब हाउस में सीनियर पार्टी रहनुमाओं से नैब रेफरेंसेस और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, कल एहतसाब अदालत में पेश होंगे। क्यों हर 10 साल के बाद मैं मुल्क छोड़ दूं भाई, क्यों मुल्क छोड़ दूं, और मैं इस वक्त क्यों मुल्क छोड़ दूं। जेलें पहले भी देखी हैं, क्यों हर 10 साल बाद मुल्क छोड़ूं। मुल्की निजाम में तजादात हैं, एक सेकंड में वजीर आजम को उठाकर हाईजैकर बना दिया जाता है। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, नैब रेफरेंसेस बोगस करार। जो नैब के अंदर जो केस है ये इंतहाई बोगस केस है, झूठा केस है। जैसे आपने देखा फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें पनामा की बजाय मुझे एक आमा पे सजा दी गई और डिस्क्वालीफाई किया गया, तो ये उसी का शाखसान है, उसी में से ये भी निकला है केस। और अगर वो सही नहीं तो ये कैसे सही हो सकता है। नैब को इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रावल लाउंज में जाने की इजाजत ना मिली। टीम पंजाब हाउस में नवाज शरीफ के समन की तामील कराएगी। नैब रेफरेंस इसहाक डार पेश ना हुए, ताजा मेडिकल रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। वजीर खजाना कहाँ हैं, अदालत का जामिन से इस्तफसार, कल एंजियोग्राफी होगी, वकील का जवाब। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए, नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। मुल्क में नई हलका बंदियों से मुतालिक मुसव्विदा कानून आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हर पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद कम करके 1200 करने का फैसला। फैक्ट्रियों और गाड़ियों के धुएं ने लाहौर की फजा को जहरीला बना दिया। सुबह शाम स्मोक के बादल, खतरनाक केमिकल से शहरी आंखों और गले की बीमारियों में मुब्तला। बाइक चलाने में इतनी मुश्किल होती है कि आपको बता नहीं सकते। आंखों में जो है वो बहुत ज़्यादा आंसू जलन होती है, आंसू बाहर आ रहे हैं और गले में खराश आ रही है, गलों की बीमारियां पैदा हो रही हैं, ये सिर्फ स्मोक की वजह से है, जिसमें आंखों के सामने जो है ना वो भी दर्द महसूस होता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले, 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक मुल्जिम फरार, असलहा बरामद। भारत में 11 साल से कैद पाकिस्तानी खातून, उसकी बहन और बेटी की रिहाई का हुक्म। मनुष्यात स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार खवातीन को आज वाहगा के रास्ते पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी की कैपिटल हिल में अमरीकी सेनेटर से अहम मुलाकातें। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से खिताब, कहते हैं पाक भारत मुज़ाकरात के लिए अमरीका अहम किरदार अदा कर सकता है।